विक्रम मजीठिया ने सरकार ते तंज कसया, मुख्यमंत्री नूं अपने खजाना मंत्री ते भरोसा नहीं, राशन वंडन च वी पक्षपात होया, यह कहना विक्रम सिंह मजीठिया दा। अकाली दल दे वल्लों मुख्यमंत्री ते निशाने साधे गए आ। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नूं अपने खजाना मंत्री ते ही भरोसा नहीं। जिक्र खास है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो मदद मंगी गई सी कि पंजाब दे अर्थचारे नूं किस तरह मजबूत करना है, जिस तों बाद विक्रम मजीठिया मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते तंज कसदे होए नज़र आ रहे हैं। उन्हां दा कहना है कि मुख्यमंत्री नूं अपने खजाना मंत्री ते भरोसा ही नहीं। इस तों अलावा उन्होंने कहा कि राशन वंडन दे विच पक्षपात होया। जिक्र खास है कि करोना वायरस का असर भारत के अर्थचारे ते हो रहा है, दुनिया भर के अर्थचारे ते हो रहा है, और पंजाब जिहड़ी हालत है वह पहले ही कितना कितने खस्ता कही जाती सी कि पंजाब दे कोल। इस ते विक्रम सिंह मजीठिया ने की कुछ कहा कैप्टन सरकार ते तंज कसते हुए, वह भी सुन लें। कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े अहम सवाल चुके ने। पंजाब सरकार वालों जी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है उसते सवाल चुके गए हैं। उन्होंने प्रमुख एक दो गल्ला कैबिनेट साबका कैबिनेट मंत्री को पूछेंगे। मजीठिया साहब, अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े अहम सवाल जोड़े चुके ने, तुम कितने कमी महसूस होंगी है कि जी लड़ाई लड़ी जा रही है उत्ते असी जितते प्रतीत नहीं हो रहे? देखो, मैं कोई सवाल इसलिए नहीं उठाए कि मैं सरकार की कमी पेशियाँ हाईलाइट करदा, मैं इसलिए उठाया क्योंकि मैं सुधार चाहुंदा। हर जान कीमती है जी। हर डॉक्टर, हर नर्स जो इस लड़ाई च आपका योगदान पा रहा उन्हां दा सत्कार जरूरी है, और हरेक की जिंदगी जरूरी है जी। आज असलीयत कई हो गई है कि हर गल च पंजाब ते हरियाणे का कंपैरिजन सदियां ही हुंदा है, हमेशा ही हुंदा है, और स्वाभाविक भी है। पंजाब का कंपैरिजन नैशनली और पंजाब का कंपैरिजन गुआंढी सूबे नाल जरूर होना चाहिए। हुण असलीयत की है, हरियाणे च भी 320 केस ने और इत्थे 330 केस है। हरियाणे की डैथ रेट 1% पंजाब की परसेंटेज 6% ऑलमोस्ट 5.8% या कुछ है। इट क्लीयरली शोज नैशनल एवरेज डैथ रेट नंबर ऑफ केसिज के कंपैरिजन 3%। जम्मू कश्मीर नाल लगता उत्थे डैथ रेट 1.5%। जे आंडी गवांडी सूबे नेबरिंग स्टेट्स जे डैथ रेट नूं कंट्रोल कर रहे हैं, नैशनल एवरेज कंट्रोल थले है, तो पंजाब की डैथ रेट एवरेज क्यों सब तो वध है? वो सीधे ये गल ते सवाल उठाउंदा कि किथे ना किथे जो हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की डॉक्टर मंग कर रहे हैं, साडिया नर्सिज मंग कर रही ने, या जेडे पैमाने स्ट्रिक्टली इनफोर्स होने चाहिए और नहीं हो रहे, यही कारण है कि जे हरियाणा आपके डैथ रेट नूं कंट्रोल कर सके, क्योंकि बीमारियां तो उही ने, उत्थे भी लोग शुगर के मरीज ने, उत्थे भी हार्ट की डिजीजेज ने, उही बीमारियां पंजाब च ने। जिथे मजीठिया साहब जिथे पीपी किट के घोटाले होणगे उत्थे तुहानूं की लगता है एक नवा घोटाला सामने आया, ओम प्रकाश सोनी ने उसकी इनकुआरी की भी जी लिखा उसके बारे? देखो, हले पीपी किट का देनी शुरू की तो घोटाला पहला आ गया जी। मेरे हिसाब नाल तां इस तो सीरीयस काम ही कोई नहीं, अज तक तो कार्रवाई होकर परचा दे के अंदर देने जा चाहिदा सी कि आ एमरजेंसी वाले हालात च भी घोटाला जी, तो जिन्होंने किया वो हुण इनक्वायरी मार्क हो गई है, 6 महीने इनक्वायरी का ही कुछ नहीं लभना जी। ये कार्रवाई होनी चाहिए सी कि जेड़ा लोगों की जिंदगी नाल, नर्सां दी, डाक्टरां दी, पैरामेडिक स्टाफ की जिंदगी नाल खेड रहा है, उन्होंने तुम किमें बख्श सकते हो? और जिथे ये एटीट्यूड, ये एटीट्यूड की चेंज की मैं गल कर रहा जी, कि जे ये एटीट्यूड चेंज ना होया तो फिर स्वाभाविक है फिर बड़ी चिंता दे विशा खड़ा हो जाना, और ये डैथ रेट एक आम अज चर्चा बन गई है देश च कि पंजाब च डैथ रेट इन्नी हाई क्यों जब बाकी जगह च नहीं है। पर एक होर चिंता जी सामने खड़ी हो रही है जी, जिहड़े हजूर साहब तो शरदालु आए रहे हैं कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कितना कितने भी गल्लां उठ रही ने, क्योंकि पहलों भी जिहड़े रौला पा रहे थे उत्थे हजूर साहब शरदालु कह रहे थे कि कितने तबलीगी जमात वाला हाल ना हो जाए, सरकार इस वल ध्यान ना दे, पर हुण लगता कि उस पासे वल गल तुर रही है। देखो, मैं एक गल तो कह सकदा जी कि पंजाब के जिहड़े शरदालु ने उन्होंने बड़ा आपका रिस्पोंसिबल रोल अदा किया। एक वीडियो नहीं, हज़ारां वीडियो उदों चलाईआं
कि जी कल साढ़े ते भी इस गल का इल्जाम लगेगा कि जो निजामुद्दीन च होया फिर सानू भी यही इल्जाम लाए जाएंगे। असी अज बेनती करते हैं कि असी 4000 जी इको कंपाउंड से फसे हैं, सानू सोशल डिस्टेंसिंग असी कर सकी है, साडा टेस्ट करो, सानू घर च भेजो। महीना रौला पाते महीने तो बाद उन्होंने भेजा, जब भेजा भी जिहड़ी चैकलिस्ट फॉलो होनी चाहीदी सी पहला उत्थे मेडिकल टेस्ट, फिर इत्थे आके मेडिकल टेस्ट, फिर क्वारंटाइन, वो प्रोसीजर नहीं फॉलो होया। उही कारण बनया कि जिहड़ा तरन तारण जिला जिला कोविड फ्री सी अज कोविड दे पेशेंट आ गए। पेशेंट की गलती है, उन तो बेचारे नूं पता ही नहीं। बिल्कुल, यह तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम सी, हेल्थ महकमे का काम सी, जिहड़ा उन्होंने नहीं किया, और अज उहदा खामियाजा सबनू भुगतना पैना। लास्ट सवाल है जी, क्योंकि हूँ अज भी मीटिंग की जा रही है MLAs नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है, उहदे विच जिहड़े अकाली विधायक ने आप दे विधायक ने उन्होंने नहीं पूछा गया, उपरों इल्जाम ये भी लगाए जा रहे हैं तुहाडे वल्लों जां होर विरोधी पार्टियों वल्लों कि जिहड़ा राशन वंडिया जा रहा उहते भी पक्षपात किया जा रहा, की कहना चाहोगे और इहदा हल की नज़र आउंदा तुहानूं? देखो, ये दूजी मीटिंग हो गई जी CM साहब की, दूजी तीजी कांग्रेस के विधायकों नालों, एक करन तीन करन पंज करन उन्हां दा प्रोग्रेटिव है, मैं उस गल च नहीं जाता, मगर एक गल जरूर है कि ओपोजिशन डेमोक्रेसी का हिस्सा ने, लोगों ने सानू भी चुन के भेजा, अज सवा महीना हो गया ओपोजिशन के, तो सारे श्रोमणी अकाली दल के विधानकारा की असी आपस मीटिंग की, उन्होंने सब ने गल रेज की जी। कि सानू तो एक बारी CM साहब ने नहीं पूछा कि दसो थोड़े एरिए च कोई प्रॉब्लम है, और यही गल है राशन की वंड भी हो रही है, तुम सुन ही रहे हो रोज़ पक्षपाती रवैया, क्यों? क्योंकि कांग्रेस जिहड़ा हार भी गया, जिहड़ा रिजैक्ट भी हो गया हर हल्के चो, उन्होंने भी पूछ रहे हैं, मगर इलैक्टेड ओपोजिशन के मैंबर नूं पूछ नहीं रहे। वो ये दुख की गल है कि अज की डेमोक्रेसी के समय से, अज इन्हां औखे हालातों से भी कांग्रेस पार्टी राजनीति नूं तरजीह दे रही है, चुने हुए नुमाइंदियां नूं या जिहड़ा जेन्युइन कंसर्न है पंजाब के सिटीजन का, उन्होंने अखों परोखे लगता जी, जिहड़े भुख नाल लोक करला रहे उहदा वड्डा कारण भी यही है। यही कारण है जी, जब तुसी पक्षपाती रवैया इस तरीके का अडोप्ट राइट एट द सीनियर मोस्ट लैवल कर लो, वो हौली हौली एक इशारा हुंदा एडमिनिस्ट्रेशन कि जे CM साहब ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला थले तक लागू होवे, जिथे कि ओपोजिशन के मैंबरों नूं पुछिया ही ना जावे। हुण जिहड़ा राशन आ रहा, चलो तुसी कैप्टन साहब की फोटो ला लो, मगर वह है कित्थों? सरकारी खजाने चों। सरकारी खजाना किहदा है? पंजाब दे लोकां दा। पंजाब दे लोकां ने किहनां नूं चुणिया? 117 MLA नूं। हर दी गल सुणो, पंजाब दे लोकां दी गल सुणो, वो तो तुसी उहदे च तां पक्षपाती कल्ला कि कल्ली उहदी कांग्रेस दी सुणनी। हुण कांग्रेस नूं जे मैं कहां ते फिर पंजाब च किन्नी परसेंटेज वोट पई? 36%, बाकी तो उल्ट पई आ, तो उन्हां दी सुणनी नहीं तुसी? बड़े अफसोस की गल है जी। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरे पास चिट्ठी लिख रहे जी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि साडी इकोनमी संभालो, तुसी की लगता तुहानूं? देखो, जो यही जी गल कहिंदे आ तो गल तो स्पष्ट आउंदी है कि आप दे फाइनैंस मिनिस्टर ते या आप दे वजीरां ते उन्हां नूं भरोसा नहीं रहा जी। और दुख की गल है कि दिल्ली च यही कमेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह ते राहुल गांधी की एक इंडियन नैशनल कांग्रेस की वैबसाइट पर एक उन्होंने वीडियो चाड़ी हुई है जिस कह रहे हैं कि DA सेंटर के मुलाजमान 2020 का मिलना चाहिए। अज की अखबार से इन्होंने खबर लाई हुई है कि DA फ्रीज कर दो, मगर पंजाब से तो 3 साल का फ्रीज है ना, 2018 का DA मिलया ना, 19 दियाँ किश्तां मिलिया ना, 20 की तो मिलनी कितों सी? 5000 करोड़ का मुलाजमान का तो अगे बै दबी बैठे है, प्रोफेसनल टैक्स लाता। सवाल है जी, जो आम लोगों संबंधित सीधा हैगा कि जो COVID-19 के पेशेंट्स जो एडमिट किए जा रहे उन्होंने हालात जोड़े ने बद तो बदतर ने उस थान पर जिस ढंग रिपोर्ट आ रही है, वो बारे तुम की सुजैसट करना चाहोगे सरकार? ये गल मेरी नहीं, ये गल कोविड के पेशेंट दर्शा रहे जी। पद्म श्री निर्मल सिंह जी जेडे हजूरी रागी सन, उन्होंने परिवार ने जग जाहिर किया। कोहली साहब जेडे ACP जिन्हों की डैथ हुई है, उन्होंने परिवार ने जग जाहिर किया। तुसी किसी परिवार को पूछ लो जी, जेड़ा जाके कोविड की वार्ड से आइसोलेशन च पाया होया, उस सब की दर्दनाक कहानियां ने, और यही कारण है कि मोर्टैलिटी रेट हाई है। ये तो कला आइसोलेट कर देंगे। देखो, मनोबल तगड़ा रखना, उन्होंने साइकियाट्रिक हैल्प देनी, वो अपने परिवार के संपर्क च रवे, वो मनोबल तगड़ा रवे, और गुरबाणी सुन सके,
ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਡੈਥ ਰੇਟ, ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਏਸਨ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਇੰਗ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ESS ਗਲੋਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ESS ਗਲੋਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ। ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ESSGlobal.com। ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪਟੈਂਬਰ 2020 ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ESSGlobal.com ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।